अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर पटेल, मैं दक्षिण माता क्षेत्र से काडनाड़ा गांव से हूँ। कल मेरा बच्चा 2.5 साल का बच्चा पलंग पे से नीचे गिरा था, गिर के इधर कोनिक पे हाथ फ्रैक्चर हुआ था पलंग पे से गिर के। कल रात में डॉक्टर को दिखाया था मैं, वो स्कैनिंग ये एक्सरे को लिख दिया, मेरे पास पैसा नहीं रहने की वजह से मैं कल एक्सरे नहीं कराया। आज नहीं कराने की वजह से मेरे भाई गाँव से पैसे ला के दिया मेरे को, बच्चे को नहीं दिखाने की वजह से दवा पैसा नहीं आया बोल के। आज दोपहर में 1 बजे भारत स्कैनिंग को गया मैं, मिसबा नगर पे आते हो भारत स्कैनिंग, उधर गाने के बाद में उसके अंदर लिखा है इधर हाथ का स्कैनिंग बोल के, उसको बताया हो भी हूँ एल्बो बोल के बताया भी हूँ उसको, बताने के बावजूद वो क्या है शोल्डर का बिल बनाया है, शोल्डर का एक्सरे करके दिया है मेरे को। वो ले जाके क्या है मैं हॉस्पिटल को दिखाया, डॉक्टर देख के क्या हंस रहा है वो, तुम हाथ बता रहे हैं दर्द है बोल के रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसका शोल्डर का दिखा रहे हैं, ऐसा कैसा? मैं किसका रिपोर्ट लेकर बोले हूँ, तुम किसका रिपोर्ट लेकर बोलो कुछ रहे डॉक्टर, मैं क्या बताओ? वापस आके तो उसके पास ही और दूसरा एक्सरे करा के उसके पास दिखा के आया, फिर आने के बाद वो भारत स्कैनिंग वाले को पूछा मैं, तो बोलता है और एक बार एक्सरे कर लो बोलता है। मैं अब कर ले के पूरा प्लास्टर डाल ले के आने के बाद फिर एक्सरे कैसे कर ले सकता हूँ? नहीं भाई मेरा पैसा मुझे दे बोले तो मैं नहीं दे दूँ बोल रहा, क्या कर लेते कर ले बोलता है। अब इसको क्या करना है? अब इसके लिए मैं हमारे साहब को फ़ोन करें, हमारे दक्षिण माता क्षेत्र के रेड्डी साहब है, हमारे कृष्णा रेड्डी साहब है, उनको फ़ोन करने के बाद उन्होंने मेरे से हिम्मत दिए कि मैं रहता हूँ आऊँ बोल के, बोलने के बाद मैं उनके पास आया। आज हमारे नज़ीर पटेल हमारे साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के काडनाल विलेज के हमारे नज़ीर पटेल अभी गुलबर्गे में ऑटो चला रहे हैं। मेरे को कॉल आया था शाम में, बोले कि रेड्डी साहब ऐसा भरत स्कैनिंग सेंटर को हम गए थे, एक डॉक्टर ने जो बच्चा हमारा जो पलंग पे से गिर के जो हाथ फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर बोले कि एक चिट्ठी पे लिख के दिए डॉक्टर एल्बो का एक स्कैनिंग कराओ बोल के, भरत स्कैनिंग सेंटर का डॉक्टर रेफरेंस देते हैं। वो भरत स्कैनिंग सेंटर को जाके इनो वो चिट्ठी ये डॉक्टर लिखे सो चिट्ठी वहाँ पे बताते, बताने के बाद में वो भरत स्कैनिंग सेंटर में शोल्डर स्कैनिंग का अमाउंट इनके पास चार्ज करते। अब इनो है ये 600 रुपये शोल्डर स्कैनिंग का अमाउंट लिए। आज हमारे नज़ीर पटेल उनको 600 रुपये भी आज के डेट में बहुत माने हैं, बेचारे आज ऑटो चलाते हैं। वहाँ के जो डॉक्टर ये रिपोर्ट लेके जो डॉक्टर चिट्ठी लिख के दिए थे स्कैनिंग एल्बो का कराओ बोल के, वो डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट बताए तो ये आप जो है एल्बो का नहीं कराए ये शोल्डर का करा के लाए बोल के इनको नज़ीर पटेल साहब को बोलते, कौन डॉक्टर। फिर इन्हों जाके भरत स्कैनिंग सेंटर वालों से बात करते, यहाँ पे जो एल्बो स्कैनिंग का जो लिखे सो है आप शोल्डर का क्यों स्कैनिंग करे बोल के नज़ीर वहाँ पे पूछते, एक्सरे क्यों वहाँ पे शोल्डर का किए बोल के नज़ीर पटेल जाके पूछते। पूछने के बाद में वो भरत स्कैनिंग सेंटर वाले अभी स्कैनिंग होना है तो कर लो आके बोलते, जबकि इनका बेटा जो 2.5 साल का जो बच्चा है मासूम बच्चा बहुत दर्द से वो तड़प रहा था, छोटा बच्चा है मासूम बच्चा है, जब एक हड्डी टूटता है तो बच्चा बड़े ही तरसते हैं, तो बच्चा क्या है दर्द को बहुत रो रहा था। इमीडिएट उन्होंने क्या करे वहाँ से वही यही चिट्ठी जो डॉक्टर लिख के दिए सो चिट्ठी लेके श्री स्कैनिंग सेंटर को जाते, ये डीपू नंबर 1 के सामने आता है श्री स्कैनिंग सेंटर, वहाँ पे जाके वहाँ पे सही ये चिट्ठी पे एल्बो स्कैनिंग होता है, ये जो लिखे ना हाँ सेम चिट्ठी पे ये स्कैनिंग वाले एल्बो स्कैनिंग करते। फिर एल्बो स्कैनिंग करके इमीडिएट क्या है बच्चे को फिर एक डॉक्टर के पास जाके इमीडिएट प्लास्टर डालते, बच्चे का दर्द का रुक रहा नहीं बहुत रो रहा है बच्चा बोल, वो सब ट्रीटमेंट करने के बाद में नज़ीर पटेल जो है बच्चे के वालिद वो हॉस्पिटल को जाते बेचारे ऑटो लेके, कहाँ पे जाते भरत स्कैनिंग सेंटर ये MSK मिल मिर्ची गोडाउन के पास आता है।
वहाँ जाके भरत स्कैनिंग सेंटर वालों को पूछते हैं कि भाई आप जो आप चिट्ठी दिए थे, आप एल्बो का करने का, आप शोल्डर का एक्सरे करें, देखो, बोलते हाँ देखे ठीक है, बच्चे के लो फिर एक बार करते बोल के वहाँ पे क्या रूम में एक क्वेश्चन में बात हो गया इनसे, तो इन्हें बोल रहे हैं ऑलरेडी मैं बच्चे को ट्रीटमेंट करके प्लास्टर डलाया हूँ, बच्चे को घर पे लाके हम छोड़े सोए, ये पैसे मेरे वापस दो बोल के नज़ीर जो है रिक्वेस्ट करते हैं 600 रुपये। नज़ीर के लिए 600 रुपये बहुत बड़े, क्यों, ऑटो चलाता बेचारा। वो भारत स्कैनिंग सेंटर के जो स्टाफ है नज़ीर को डराते, हमारे पास पैसे वापस नहीं मिलता, आपको क्या कर लेना है कर ले जाओ बोल के नज़ीर पटेल को बोलते, नज़ीर पटेल इधर ही है सामने। उसके बाद में नज़ीर पटेल मेयर को कॉल करते, एमएलए को कॉल करते, आलम प्रभु पाटिल जी को, इनका फोन क्या है, आलम प्रभु पाटिल जी अटेंड नहीं करते, एक बार करें नहीं अटेंड करें। बाद में मेयर को कॉल आया, साहब मैं कार्डनल से बात करूं, नज़ीर पटेल बोलते कार्डनल मेरे दक्षिण क्षेत्र का, मैं भी एक उम्मीदवार था, वहाँ के आवाम मेरे को जानते, मैं इमीडिएट नज़ीर पटेल को हिम्मत दिया हूँ कि आप आइए देखेंगे क्या मसला है। तो मैं वहाँ के डॉक्टर साहब को भी बात किया हूँ, भरत स्कैनिंग सेंटर डॉक्टर साहब को मैं कॉल किया था, डॉक्टर साहब आपके स्कैनिंग सेंटर में ऐसा ऐसा मसला हुआ बोलते, हाँ हो गया, वो गलती हुआ होगा स्टाफ का बोल के एकदम उन्होंने हवा में बात किए, ठीक है बोल के हम लोग फ़ोन कट कर दिए। आज सोशल मीडिया के ज़रिए जो मैं आवाम को और गुलबर्गे के DHO को मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो भारत स्कैनिंग सेंटर जो है वहाँ के जो अनप्रोफेशनल जो स्टाफ वहाँ पे है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जब डॉक्टर स्लिप लिख के देने के बाद में भी इनो एल्बो का स्कैनिंग छोड़ के शोल्डर स्कैनिंग करते, मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पे क्या, कौन से अनपढ़ कौन से कीड़े गांव से ला के वहाँ पे डॉक्टर्स को बिठाए, मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं लापरवाही है भारत स्कैनिंग सेंटर वालों का, ये आवाम के साथ खेला जा रहा है, गरीबों के साथ खेला जा रहा है, इसके ऊपर DHO साहब को एक्शन लेना चाहिए। मंडे के दिन DHO ऑफिस जाके मैं नज़ीर पटेल के साथ जाके DHO को मैं ये भरत स्कैनिंग सेंटर के कंप्लेंट करने वाला हूँ, ये अनप्रोफेशनल स्कैनिंग सेंटर, ऐसे गरीबों को परेशानी करने वाले स्कैनिंग सेंटर, इसके ऊपर DHO एक्शन अगर नहीं लेंगे कंप्लेंट देने के बाद, आने वाले दिनों में DHO साहब के खिलाफ हम होराटा करेंगे बोल के मैं सोशल मीडिया के जरिए ये बात बोलना चाहता हूँ।